वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम इंद्रजीत है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं हमारी कैनवास के ऊपर, और उससे पहले हमने देखा था लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यार आर्क को कैसे क्रिएट करते हैं। पहले बात, आर्क हमारा होता क्या है? आर्क आपने चाप सुना होगा हिंदी में, ठीक है, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, ज्योमेट्री पढ़ी है प्रॉपरली, तो उसमें दो पॉइंट्स के बीच में हम एक चाप लगाते हैं, ठीक है, उसे हम आर्क बोलते हैं। तो फिलहाल कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। सिंपल सा मेथड है, जैसे हमारा रेक्टेंगल के लिए था क्रिएट आर्क। ओके, चार पॉइंट देने हैं, मैंने दे दिया 100, 100, 200, 200। ये हमारे 100, 100, 200 क्या है अभी हम देखेंगे। मैंने इसे रन किया। ओके, ये देखिए, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये हमारा 100, 100 है, और ये हमारा 200, 200 है, ठीक है, और इसके बीच में 90 डिग्री का बाई डिफ़ॉल्ट एक एंगल बन जाता है, ठीक है, और ये चाप हमारा उन दोनों के बीच में है, इसे बोलते हैं हम आर्क। ओके, तो अगर हमें हमारा जो ये 200, 200 है, अगर हम इसे बढ़ाना चाहें, मैंने कहा वाई एक्सिस से 300 होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा ऐसे कुछ बनेगा, ये हमारा वाई एक्सिस से 300 हो गया और एक्स एक्सिस से हमारा 200 हो गया, और ये हमारा 100, 100 रहा। ओके, तो ये हमारा एक चाप क्रिएट हुआ। फिलहाल एक और चीज़ इसमें होती है, पहले से वापस वैसे कर लेते हैं। ओके, 200, 200 कर लिया मैंने। एक चीज़ और होती है, वो होता है एक्सटेंट, ठीक है, ये हमारा क्या होता है यार कि हमने ये चाप क्रिएट किया, ठीक है, इसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, हमें ये एंगल चेंज करना है, हमें 120 का करना है। ओके, तो हम यहाँ एक्सटेंट में दे देंगे 120। क्या होगा कि जो हमारा एंगल है वो हमारा 120 का हो जाएगा, यू कैन सी हियर। ओके, तो ऐसे हम चाप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, चाप को ड्रॉ कर सकते हैं हमारे की टिंकर एप्लीकेशन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।